नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। हाई एजुकेशन की दौड़ के बीच सतना के रामनगर जनपद सीईओ लोक सेवा की मिसाल पेश करते नजर आए। सीईओ ने 2.5 साल की अपनी बेटी का दाखिला आंगनबाड़ी केंद्र में करवाकर सरकारी स्कूलों से आम जनता के मुंह भंग होने के बीच एक बेहतर संदेश देने का काम किया है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की गिरती शिक्षा के स्तर और शिक्षक की कमी के बीच तत्कालीन खंडवा कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल पति कटनी कलेक्टर पंकज जैन ने पहली बार अपनी 14 माह की बेटी पंखुड़ी का दाखिला आंगनबाड़ी केंद्र में कराया था, जिसके बाद राज्यपाल ने पत्र लिखकर उनकी प्रशंसा की थी। इसके बाद एक बार फिर सतना जिले के रामनगर में पदस्थ जनपद सीईओ प्रेरणा सिंह अपनी 2.5 साल की बेटी मणिकर्णिका सिंह का दाखिल आंगनबाड़ी केंद्र में करवा कर आम जनता के बीच लोक सेवा की मिसाल पेश की है। दरअसल जनपद पंचायत सीईओ प्रेरणा सिंह बाल दिवस के दिन जनपद पंचायत में आए हुए कार्यक्रम पर आंगनबाड़ी केंद्र इटमा कला में पढ़ने वाले बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों से प्रभावित हो गईं और उन्होंने मन ही मन अपनी बेटी का दाखिला कराने का फैसला कर लिया। सीईओ प्रेरणा सिंह ने बेटी के दाखिले की फॉर्मेलिटी पूरी कर बेटी मणिकर्णिका सिंह को आंगनबाड़ी केंद्र लेकर पहुंच गईं। महज 2.5 साल की मणिकर्णिका सिंह हर रोज आम बच्चों की तरह आंगनबाड़ी आती हैं, वहां पढ़ती हैं, बच्चों के साथ खेलती हैं, खाना भी खाती हैं। मणिकर्णिका सिंह के दाखिले के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था, शिक्षा का स्तर, माध्यान्ह भोजन की व्यवस्था को 4 चांद लग गए। सीईओ प्रेरणा सिंह का कहना है कि जब किसी सरकारी अफसर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं तब स्कूलों के बिगड़े हालात और पढ़ाई के स्तर में खुद ब खुद सुधार हो जाता है। शिक्षक समय पर स्कूल आते हैं, संजीदगी से कक्षा में पहुंचते हैं और पढ़ाते भी हैं। यदि देश में शिक्षा के स्तर को सुधारना है तो अधिकारियों को अपने बच्चों का एडमिशन निजी स्कूलों में नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों और ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों में कराना होगा। हमारे बच्चे को जनपद में अपना हमने कुछ कार्यक्रम वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था, तो हमारे यहाँ से आंगनबाड़ी से जो भी बच्चे थे उन्होंने अपना कुछ ना कुछ वहाँ पर परफॉर्मेंस दिया था और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था उनका। तो वहाँ पर सीईओ मैम भी उपस्थित थी। इसी एक्टिविटीज़ को देख के उन्हें ऐसा लगा कि मेरे केंद्र में अपने बच्चे का दाखिला कराना चाहिए, तो मैम ने आज अपनी बेटी का हमारे यहाँ आंगनबाड़ी में दाखिला कराया। तो बच्ची पढ़ रही है अच्छे से? हाँ, काफ़ी अच्छी एक्टिव बेटी है उनकी, सभी बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल गई है। और मैं आशा यही करती हूँ कि जो भी अभिभावक है वो अपने 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों को आंगनबाड़ी में भेजे, जिससे मैं उनको स्कूल जाने से पूर्व जो भी शिक्षाएं होती है मैं आंगनबाड़ी में दे सकूँ। आपने अपनी बच्ची का दाखिला सरकारी आंगनबाड़ी में करवाया है, जहाँ लोग बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराते हैं, वहाँ आपने आंगनबाड़ी ही क्यों चुनी? क्या आपको नहीं लगता कि हमारी बच्ची अच्छे स्कूल में दाखिला ले जैसे अन्य लोग सोचते हैं? आपकी क्या सोच रही है? एक्चुअली 14 तारीख को महिला बाल विकास वालों की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था बाल रंग करके, और वो जनपद में ही किया गया था और मैं और SDM सर उसमें इन्वाइट थे। सारे बच्चों के द्वारा, जितने भी यहाँ आंगनबाड़ी हैं और सहायिकाओं द्वारा, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की गई। उन बच्चों ने बहुत इम्प्रेसिव जो है क्ले के आइटम्स बनाए मिट्टी के, और बहुत अच्छी ड्राइंग करी। छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी एक्टिविटी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं मेरी बच्ची को भी मैं वहाँ, चूँकि 2.5 साल की है वो, तो ये उसका स्टार्टिंग टाइम है क्योंकि बेस्ड वो ही रहता है। तो मैंने सोचा कि जब ये बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, चूँकि ये सरकारी लेवल पर भी बहुत अच्छा कार्यक्रम मतलब इस तरीके से कर सकते हैं, तो मैंने फिर घर आके अपने हस्बैंड से बात की और उन्होंने बोला कि बहुत ही अच्छा, अच्छी सोच है। और इस उसमें फिर हमने प्रभारी महिला बाल विकास अधिकारी जो मिश्रा जी थे उनसे संपर्क किया और उनको मैंने बताया कि मेरी बच्ची का जो है वो आंगनबाड़ी में एडमिशन करवा दीजिए। और लोगों को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि डेफिनेटली सरकारी योजनाएं जो हैं, आज मैं सीट पर हूँ और मैं जानती हूँ कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो बेस्ट है। सरकारी योजनाओं से बढ़ के कोई योजना नहीं रहती है, मेन होता है उसका क्रियान्वयन। उचित रूप से यदि किसी भी योजना का क्रियान्वयन ग्रास रूट लेवल पे हो तो उससे बेस्ट कोई योजना नहीं रहती है। और मेरा उद्देश्य भी अब यह, पहले भी ये था आज भी यही है, कि शासन की जो भी योजनाएं हैं वो ग्रास रूट लेवल पर हम अपने लेवल से उचित माध्यम से उचित रूप से पहुंचाएं। अपने क्षेत्र में भी मैं जितनी भी आंगनबाड़ी हैं
मिश्रा जी को मैंने एक एक्सरसाइज दिया है कि आप एक एक सेक्टर वाइज हमारे यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र को सेलेक्ट कीजिए और उसे एक हम मॉडर्न आंगनवाड़ी के रूप में तैयार करेंगे, जिसमें सारे बच्चे सारी सुविधा युक्त चीज़ों के तहत अपनी पढ़ाई की स्टार्टिंग करेंगे। थैंक यू। जो लोग अपने बच्चों को सरकारी उसमें नहीं करवाते हैं, सरकारी स्कूलों में नहीं दाखिला दिलाते हैं, आंगनवाड़ी में नहीं दिलाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? एक बार करके तो देखिए। मेरा ये कहना है कि सरकारी सिस्टम पे भरोसा तो करके देखिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है, इसलिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।